मैं कम इन सर। यस कम इन, बैठो। थैंक यू सर। तुम दोनों अपने अपने डॉक्यूमेंट्स दो मुझे और इस फॉर्म पे सिग्नेचर करो दोनों। थोड़ा बैठो, मैं तुम लोगों को ड्यूटी के संपर्क के कुछ प्रैक्टिकल डेमोज दिखाता हूँ। ठीक है सर, हम तैयार है। चलो आओ मेरे साथ। निशा, एमडी सर ने तुम्हें फोन किया था? जी सर, उन्होंने प्रिंस बोरा के ब्रांच के डेवलपमेंट के बारे में बताया है। हाँ, मैं तुम्हें यही कहने वाला था कि तुम आज रात को ही गाड़ी पकड़ के वहाँ जाओ और देखो प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। तुम एक महीने के लिए वहाँ रुक जाना और ब्रांच की परिस्थितियों को सुधारना, मैं यहाँ संभाल लूंगा। थैंक यू सर, मैं आज रात को ही चली जाऊंगी वहाँ। देखो आज हमने फील्ड पे काम करके 2000 रुपए का प्रॉफिट किया है। अगर हम 1500 रुपया भी दिन का बनाते हैं तो महीने का 1500 × 30, 30 दिनों का 45,000 बनता है। और साथ ही कंपनी तो हमें रहने खाने का सारा सुविधा उपलब्ध करा ही रही है। आह, तो अब बताओ तुम लोगों को काम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम तैयार है काम करने के लिए। ठीक है, तुम दोनों अपने अपने घर जाओ और अपने अपने जरूरत की चीजें लेकर आओ। मंडे तुम दोनों का ज्वाइनिंग डेट है, अच्छा से काम करना होगा। ओके सर। शीशे में देखी है तुमने कभी अपनी शक्ल? मैनेजर बन गए हो अब तो। अब तो थोड़ा खुद को संभाल ही सकते हो। तुम कितने कमजोर हो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अभी मैनेजर होने के बाद काम नहीं करना पड़ता, ऐसा तुमसे किसने कह दिया? ऐसी गलती की गुंजाइश तुमसे बिल्कुल नहीं थी। कलेक्शन नहीं होगा तो कंपनी सैलरी कहाँ से देगी? और काम नहीं करके तुम कंपनी से सैलरी लोगे? इस बारे में तो भूल ही जाओ तुम। अब मैं आ गई हूँ तो काम करना पड़ेगा। कम से कम समय में ट्रेनीज तो हायर करने ही होंगे। यस मैम। आज संडे है तो गांव के लोग तो अपने अपने घरों में ही होंगे। चलो हम दोनों चलते हैं, गांव घूम के आते हैं और हमारा टेरिटरी देखना भी हो जाएगा। जी चलिए। चलो